दीव कोट मा राष्ट्रीय बालिका दिन अने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा ने लई जन जागृति ने संदर्भे योजायो कार्यक्रम। दीव मा हाल चाली रहेल राष्ट्रीय बालिका दिन अने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मा कायदाकीय जन जागृति आवे तेने लईने दीव कोट मा कार्यक्रम नु आयोजन करवामा आव्यु। कार्यक्रम दरमियान सिविल जज महस पी सराफ, दीव आरटीओ सलीम अहमद, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ना प्रमुख सुरेश चुड़ासमा, महिला शक्ति ना आभा मेहता अने युवतीओ उपस्थित रहिया हता। कार्यक्रम मा सुरेश चुड़ासमा द्वारा महिलाओं ना कायदाकीय अधिकारों विषय अने कुरिवाजों विषय नी विस्तृत माहिती आपी हती। तेओए पहलाना जमानामा दीकरीओने दूध पीती करता तथा महिलाओने समाजमा थती परेशानीओ विशे जणाव्यु हतु। कार्यक्रममा आगळ मेहुलभाईए महिलाओना समाजमा थता शोषण विशे वात करी हती। साथे तेओए नामी महिलाओना उदाहरण आपता महिलाओ केटली नामना मेळवे ते अंगे माहिती आपी हती। कार्यक्रम दरमियान दीवमा चाली रहेल सड़क सुरक्षा सप्ताह पण तारीख 20 जानुआरी थी 25 जानुआरी सुधी छे, जे अंगे मोटर वाहन अधिकारी सलीम अहमदे आरटीओ ना कायदा विषे माहिती आपी हती। साथे दीवना मेन पॉइंट पर पोलीस नु सघन चेकिंग करवामा आवी रह्यु छे, साथे वाहन चालको माटे दंडनी रकमो विषे पण माहिती आपी हती। कार्यक्रम दरमियान सिविल जजे जणाव्यु हतु के आजे पण आ राष्ट्रीय बालिका दिन सप्ताहनी उजवानी फरज केम पड़े छे, कारण के आजे पण महिलाओं साथे कुरिवाजो चाले छे। आ कुरिवाजो हेलारो गुजराती फिल्म नु उदाहरण आपता महिलाओं पर थता अत्याचार विषे माहिती आपी हती। दीवनी कार्यरत महिलाओं ना उदाहरण आपता कलेक्टर श्रीमती सलोनी राय, दीवना महिला पत्रकारों, सेल्फ हेल्प ग्रुप नी महिला प्रमुख हेमाक्षी राजपूत वगैरह विषे जणावता महिलाओं नी प्रगति विषे माहिती आपी हती अने उपस्थित महिलाओं नु पुष्पगुच्छ आपी सन्मानित कर्यु हतु। કાર્યક્રમમાં વધુમાં તેમણે સડક સુરક્ષા અને કાયદાકીય માહિતીઓ આપી હતી। પોતાની સેફટી માટે હેલ્મેટ પહેરવું અને ત્રિપલમાં સવારી ન કરવી વગેરે નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જરૂરી છે। કાર્યક્રમના અંતમાં રાષ્ટ્રીય બાલિકા સપ્તાહ અંતર્ગત આભા મહેતા દ્વારા ઉપસ્થિત લોકોને શપથ લેવડાવવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમમાં આભાર વિધિ શશિકાંત મોડાસિયાએ કરાવી હતી અને કાર્યક્રમનું સંચાલન હેતલ મોડાસિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। નમસ્તે, આજ હમને દીવ વિધિ સેવા સમિતિ एवं दीव वकील समूह के माध्यम से यहाँ दो प्रोग्राम्स अरेंज किए थे। एक राष्ट्रीय बालिका दिन के ऊपर प्रबोधन का कार्यक्रम किया लिया गया और दूसरा रोड सेफ्टी एंड एक्सीडेंट के बारे में आरटीओ साहब श्री सलीम साहब के साथ मिलकर थोड़ा गाइडेंस दिया गया। इसका उद्देश्य एक ही था कि ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सैनिटाइजेशन का सेफ्टी वेज संभाल के सब ये प्रोग्राम किया गया है। कम से कम 20-25 बालिकाएं यहाँ बुलाई गई थी, उनको इसके बारे में भ्रूण हत्या के बारे में ये गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाया जाता है उसके बारे में मार्गदर्शन किया गया। और दूसरी बात जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो रोड एक्सीडेंट्स हो नहीं इसके लिए जो नियम कानून में प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में मार्गदर्शन किया गया। हेलमेट पहनना, ट्रिपल सीट ना जाना,
इसके बारे में बच्चों को मार्गदर्शन किया गया है। और इसी